warm welcome to another edition of To The Point. On the show this week, Union Minister for Social Justice and Welfare, Thawarchand Gehlot. I welcome you on the program, sir. Dhanyawad. So my first question is that post-interim budget, jo allocations social justice ministry ko di gayi hain, aur jaisa ki kaha gaya hai ki jo pura focus hai, wo samajik nyaye aur welfare for all ka hai. तो एज अ मिनिस्टर आप संतुष्ट हैं जो एलोकेशंस किए गए हैं और उसकी जो आगे की रूपरेखा होगी वो इन एलोकेशंस की वो कैसे होगी? बजट में मेरे विभाग को जो धनराशि का आवंटन किया गया है उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ. सोशल वेलफेयर की दृष्टि से, समाज कल्याण की दृष्टि से इस बार जो धनराशि आवंटित हुई है वो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है. पहले 56,000 करोड़ थी, फिर उसको रिवाइज एस्टिमेट जब बना तो 62,000 करोड़ का किया और अब 76,000 करोड़ का प्रावधान किया है. निश्चित रूप से ये अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उत्थान की दृष्टि से ऐतिहासिक अमाउंट है और अभी तक का सर्वाधिक अमाउंट है. इसी प्रकार से सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की जो जो योजनाएं हैं उन योजनाओं में भी वृद्धि हुई है और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बजट के आवंटन में भी वृद्धि हुई है. 1144 करोड़ की धनराशि का आवंटन हुआ है और उसमें 8,000 करोड़ का सोशल जस्टिस में 8,000 करोड़ से अधिक की राशि का आवंटन हुआ है. निश्चित रूप से इस आवंटन से जो जो विभाग योजनाएं संचालित करता है उसको हम व्यवस्थित संचालित करने में सफलता प्राप्त करेंगे और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि अभी तक जो जो आवंटन हुआ है उन सब आवंटनों का हमने सही ढंग से समयावधि में उपयोग करने में सफलता प्राप्त की है. इस बार की जो इंटरिम बजट की एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी जो फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जिसका अनाउंसमेंट भी किया और वो था एक वेलफेयर बोर्ड का गठन जो आपकी नोमैडिक और सेमी नोमैडिक और डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा. इस बोर्ड का क्या उद्देश्य होगा और ये इसका काम एक्चुअल काम क्या होगा? डी नोटिफाइड ट्राइब अर्थात घुमंतु जाति जी जो एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहती है ऐसी जातियों की गणना करना भी कठिन रहता था, उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना भी बहुत कठिन होता था. ये बोर्ड जब बन जाएगा तो उनको इस बात की सुविधा उपलब्ध कराएगा और उनको प्रेरित करेगा कि वो स्थायी रूप से रहना चालू करें और भारत सरकार की योजनाओं का और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले लें. जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, सारे देश में आवास योजना लागू है लेकिन घुमंतु जातियों को अभी तक नहीं मिला है ऐसा नहीं, कोई भी बहुत सी जगह मिला है. अच्छा, मैं जहाँ से विधायक था मैंने वहाँ उनको पहले से दिलवाया. अच्छा, और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी एक दो स्थान है वहाँ पहले से ही इनको दिलवाया है लेकिन ज्यादातर इलाकों में सर उनको अभी ये सब इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है. हम उनको प्रेरित करते हैं. जैसे गाड़ोलिया लोहार जी, उन्होंने संकल्प लिया था जब महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में थे और उनकी जीत नहीं हो सकी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जब तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं होगा हम स्थायी निवास नहीं करेंगे, लाइट नहीं जलाएंगे, कहीं गाड़ी घोड़े के नीचे रहेंगे, ऐसा करके उन्होंने तय किया था. तो हम एक नहीं अनेक सम्मेलन आयोजित करके उनको प्रेरित करने में सफल हो रहे हैं. हम कह रहे हैं कि देखो भारत आज़ाद हुआ तो उसमें चित्तौड़ भी आज़ाद हो गया तो तुम्हारी शर्त तो पूरी हो गई. दिल्ली में जो सड़क किनारे पर
झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे थे वो प्रेरित हुए हैं और अब ये आवास योजना का लाभ लेने लगे हैं। इसी प्रकार से गांव में भी बहुत लोगों को ये मिलने लगा है। हमने फिर एक घुमंतु आयोग बनाया था दादा इदाती की अध्यक्षता में। 3 साल में उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया, उस प्रतिवेदन पर अंतरिम कार्रवाई हमने कर ली, स्कॉलरशिप देना, आवास सुविधा उपलब्ध कराना और अन्य सुविधाएं जो वेलफेयर की दृष्टि से है उसका लाभ उनको दिलाना। बाकी जो प्रतिवेदन है उस पर हमने राज्य सरकारों से राय मांगी, क्योंकि राज्यों में भी इनके हित की योजनाएं बनेगी, उस पर इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का अधिकार और कर्तव्य रहेगा। तो हमने राज्यों से भी राय मांगी है, कुछ राज्यों की राय आ गई है, बाकी आ रही है। उस आयोग के प्रतिवेदन पर जो अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है उसमें जिन जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है उन बिंदुओं पर हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। विशेषकर पढ़ने की दृष्टि से जो हम एससी एसटी और ओबीसी को स्कॉलरशिप देते हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप यानी विदेश जाने और पढ़ने के लिए जो जाते हैं छात्र छात्राएं उनको भी सुविधा देना, शिक्षा का उन्नयन करने की दृष्टि से आर्थिक सहायता देना, फ्री कोचिंग देना, पीएचडी डिग्री आदि की वो पढ़ाई करते हैं उनको सुविधा देना, पब्लिक सर्विस कमीशन की पढ़ाई की सुविधा देना, आईएएस आईपीएस आईआरएस की जो तैयारी करता है उनको भी सुविधा देना जी। इस प्रकार के निर्णय हमने लिए हैं और उस पर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये वेलफेयर बोर्ड बनेगा वो देशव्यापी होगा, देश के भिन्न भिन्न भागों से इन वर्गों में से जो भी ठीक लोग होंगे जिनकी रुचि होगी या जो एक्सपर्ट होंगे या जिन्होंने इनके लिए काम किया है और कर रहे हैं उनमें से उनका चयन होगा। बोर्ड में इनको पहचान करना, इनकी समस्याओं का अध्ययन करना, समाधान के लिए उसका उपाय करना और उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्ययोजना बनाना और फिर कार्ययोजना पर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका मॉनिटरिंग करने का काम ये सब करेंगे। जो ये पूरे बोर्ड का जो गठन होगा और इन सभी चीज़ों के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा, तो इसका मतलब जो अभी तक हम देखते आ रहे थे कि जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, घुमंतु जातियाँ हैं, वो घूम घूम कर एक जगह से दूसरे जगह जाती थी, तो जब इन सारी चीज़ों का उन्हें लाभ पहुँचेगा तो वो एक स्थायी समूह के रूप में उभरेंगे। तब निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में वो इस दिशा में प्रेरणा लेकर के स्थायी निवास करने लगे हैं, अच्छे और पक्के मकान बनाने लगे हैं जी। अपने बच्चों को पढ़ाने लगे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने में आए हैं कि पढ़ कर के अच्छी नौकरी करने लगे हैं, अच्छा कारोबार करने लगे हैं और स्थायी निवासी के रूप में रहने लगे हैं। ऐसा ही प्रयास हम इस बोर्ड के माध्यम से भी और जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे, नियम अधिनियम बनेंगे, उसके आधार पर उनको सशक्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बोर्ड है इसके क्या ब्रांचेस हम अलग अलग स्टेट्स में भी देख पाएंगे या सिर्फ एक सेंट्रली गवर्न्ड बोर्ड होगा? हमारा प्रयास होगा कि जो हम नियम बनाएंगे उसमें राज्यों में भी बोर्ड हो, इस प्रकार की अपेक्षा राज्यों से करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर राज्य वेलफेयर बोर्ड गठित करे और राज्यों में भी जो योजनाएं बनती है वो और भारत सरकार की योजनाएं दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपनी भूमिका निभाए। बिल्कुल, एक कंफ्यूजन था जिस दिन इंटरिम बजट अनाउंस हुआ था, तो उस दिन पीयूष गोयल जी ने अपने अनाउंसमेंट में ये भी कहा था कि नीति आयोग के अंडर एक कमिटी बनेगी जो कि ये सारी जो घुमंतु जातियां हैं, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स जितनी भी हैं उनको क्लासिफाई किया जाएगा। तो
तो ये क्या कमेटी किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि रेंके कमीशन बना था, फिर दाते कमीशन की आपने बात अभी थोड़ी देर पहले कही, तो ये जो नीति आयोग के अंडर में जो कमेटी बनेगी वो ये कमेटी क्या करेगी? देखो अभी तो घोषणा हुई है जी, परंतु सीधा सीधा ये ध्यान में आता है कि घुमंतु जातियाँ कौन कौन सी है जी, उनका सामाजिक स्तर क्या है, उनकी कार्यशैली कैसी है, इसको ध्यान में रख करके, और जो फिर एससी में नहीं है, एसटी में नहीं है, ओबीसी में नहीं है, या किसी में ओबीसी में है, किसी में एसटी में है, किसी में एससी में है, ऐसी कितनी जातियां हैं, उनका फिर ये तय करेंगे कि ये इसमें रहे या फिर घुमंतु जाति में रहे। हालांकि अलग अलग राज्यों में और राज्यों में भी अलग अलग जिलों में ये सब कैटेगरी हो सकती है, पर उसमें से एक निष्कर्ष निकालेंगे कि ये घुमंतु जातियाँ हैं और ये एससी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, उसका निर्धारण करेंगे और फिर उनको लिस्टेड करेंगे। लेकिन एक जो मेरा सवाल आपसे है कि जैसे रेंके कमीशन भी था, फिर उसके बाद अभी ये दाते कमीशन की जिसकी आपने बात कही, हमेशा जो इनकी गणना होती है वो इतना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस क्यों होता है? क्या वो कारण है कि ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, लेस विजिबल है, फार हार्ड टू रीच आउट है, तो क्या ये कारण है कि उनकी गणना ठीक से अभी तक नहीं हो पाई है? और हम क्या इस बात का अश्योरेंस लें कि जो अब इनकी गणना का प्रोसेस शुरू होगा, जो नई कमेटी बनेगी नीति आयोग के अंडर में, तो क्या वो गणना पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगी? गणना में कठिनाई होने के दो तीन कारण हैं जी। एक तो जाति, कौन सी जाति ऐसी है जो घुमंतु जाति में आती है, ये ठीक से आइडेंटिफाई नहीं होगा। अब जब जातियों का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो गणना करने में आसानी होने लगेगी। फिर स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, इस कारण से कठिनाई होती है गणना के समय में, कोई कहाँ है कोई कहाँ है। तो हालांकि प्रयास होता है कि गणना की अवधि में जो जहाँ है वहाँ रहे, इस प्रकार का प्रचार करके प्रयास किया जाता है, परंतु जब जातियाँ फिक्स हो जाएगी और स्थायी रहने की हम और उनको प्रेरित करेंगे और वो स्थायी रहने लगेंगे तो फिर आसानी से उनकी गणना भी हो जाएगी। उसके बाद भी थोड़ी बहुत तो कठिनाई रहेगी, बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो उस समय कब कहाँ किस परिस्थिति में मजबूरी में जाता है या किसी कारण से जाता है, तो उनकी गणना करने में कठिनाई होती। पर निश्चित रूप से जब गणना प्रारंभ होती है तो प्रयास ये होता है कि वो उस अवधि में एक जगह रहे जहाँ चाहे वो, कि उसकी गणना मेरे इस शहर में होना चाहिए या इस ज़िले में होना चाहिए, इस गांव में होना चाहिए, वहाँ रहे, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। और जब ऐसा प्रयास करेंगे तो अधिकतर बिल्कुल जनगणना में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक कल्याण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपकी डायरेक्ट आपकी मिनिस्ट्री से नहीं इसका लिंक होगा, जो पेंशन योजना जो अनाउंस हुई थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, लेकिन सामाजिक कल्याण के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम है वो सरकार का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन आएगी और प्रति माह जो एक राशि उनके लिए फिक्स की गई है, तो ये कैसी पहल है और इसको आगे इसे कैसे पूरी चीज़ें सुनिश्चित की जाएंगी? देखो हमेशा असंगठित श्रमिक, उसमें खेतीहर श्रमिक भी आते हैं, थैला हाँकने वाला, ठेकेदारी में काम करने वाला, अर्थात जो एक जगह संगठित होकर के स्थायी रूप का काम नहीं करते हैं, वो ऐसी परिभाषा में आते हैं। और इनको बाकी सुविधाएं ईएसआई की, कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है, प्रोविडेंट फंड की स्कीम का लाभ नहीं मिलता है। प्रयास होगा इनका आइडेंटिफिकेशन होके, रजिस्ट्रेशन करके उनको ये सारी सुविधाएं मिलने लगे। और ये योजना उनके लिए बनी है, उनको प्रेरित किया जाएगा कि भई आप एक काम करें, आपको ये योजना मिली है, आप 100 रुपया प्रति माह इस योजना में जमा कराएं, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तब आपको तो 3,000 रुपया महीना आपको
पेंशन मिलने लग जाएगी। निश्चित रूप से थोड़ी थोड़ी कटौती करके इस योजना में अगर पैसा जमा कराएंगे तो जब वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे तो वरिष्ठ नागरिक की अवस्था में उनको ये पेंशन बड़ी सहायक सिद्ध होगी और उनका जीवन ठीक से वो व्यतीत कर पाएंगे। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कब शुरू हो सकती है, कब तक अनुमान के मुताबिक? बजट पारित हो जाएगा, अधिसूचित हो जाएगा, उसके बाद इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। रहा सवाल योजना के प्रारूप का और ये और, तो उसकी तो कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। ऐसे ही हमने घुमंतु जाति के लिए जो वेलफेयर बोर्ड बनाना है, वो वेलफेयर बोर्ड बनाने की प्रक्रिया कैबिनेट नोट की व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे। जो 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अभी बना देने की बात जो कही गई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि लीगली ये कितना वैलिड होगा, बिकॉज एक दो जगह कुछ केसेस भी फाइल हुए हैं। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया है ये कैसे प्रारंभ होगी, क्योंकि जब इसे लीगली चैलेंज किया जा रहा है एक दो जगह और लोग वेट कर रहे हैं, तो इसको पूरा जो प्रारूप है उसका स्वरूप है वो कैसे तय होगा अभी कि कैसे किया जाए? देखो, ये निर्णय लेने की लंबे समय से जनता मांग कर रही थी और नरेंद्र मोदी साहब ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला भाषण दिया था उसमें कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी और सबका साथ सबका विकास की सोच पर हम काम करेंगे। लंबे समय से मांग की जा रही थी, इस मांग को पूरा करने की दृष्टि से पहले 2-3 बार कमीशन भी बने, मंडल कमीशन ने भी इस पर रिकमेंड की थी कि आर्थिक आधार पर जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। नरसिंह राव जी जब देश के प्रधानमंत्री जी थे उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी, परंतु संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं किया था और संविधान में प्रावधान नहीं होने के कारण कुछ लोगों ने, कुछ संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया था और निरस्त कर दिया था। पर नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी नीति और अच्छी नीयत को ध्यान में रख कर के पक्का काम हो जाए इसलिए संविधान में संशोधन करने का निर्णय लिया। संविधान के अनुच्छेद 15 में 1, 2, 3, 4 सबसेक्शन है, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने का प्रावधान करने का अधिकार है। उस अनुच्छेद 15 में एक सबसेक्शन 6 डाल करके ये कह दिया कि अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान नहीं है और ये है, इन सब के होते हुए भी आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के गरीब तबके को आरक्षण देने का कानून बनाने का अधिकार होगा। उपरोक्त कानून के बाद भी इसको कानून बनाने में रोक लगाने का कोई रोक नहीं होगी, कोई आधार नहीं होगा। इसी प्रकार से 16(6) में भी ये तो आर्थिक आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करता है 15(6), 16(6) रोजगार में, नौकरियों में, भारत सरकार और राज्य सरकार की नौकरियों में आर्थिक आधार पर गरीब तबके के लोगों को, जो सामान्य वर्ग के हैं उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया। मैं ये कह रहा हूँ कि संवैधानिक प्रावधान हो जाने के बाद अब जो भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मैं सोचता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करेगा तो संविधान में प्रावधान है इस कारण से वो संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप ही निर्णय करेंगे। पहले संवैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण ये किया था,
इसकी एक विशेषता और है, एससी एसटी ओबीसी को वर्तमान में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है, ये भी नहीं है। ये भी मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा ये एससी एसटी ओबीसी के लिए है, और मंशा ये थी कि अगर 50% से अधिक आरक्षण इनको दे देंगे तो अन्य सामान्य वर्ग का क्या होगा, उनके हितों का संरक्षण नहीं होगा। तो हमने ये सामान्य वर्ग के हित को ध्यान में रख कर के ये निर्णय लिया है, और ये ऐतिहासिक निर्णय है, देश और दुनिया का अच्छा सबको पसंद आने वाला निर्णय है। लेकिन अगर जो ये 50% के दायरे में जो आते हैं एससी एसटीज ओबीसीज और एससीज, अगर इनका आरक्षण इम्पैक्ट नहीं होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल शैक्षिक संस्थान जो ले लीजिए, तो क्या सरकार जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, फैकल्टी बढ़ेगी? जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर अभी आ रहा है कि कैसे ये चीज़ें उपलब्ध होंगी, क्योंकि जैसे अभी एक जगह मैं पढ़ रही थी कि 25% सीट्स ऑलमोस्ट जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे बढ़ाई जाएंगी, तो क्या जो नंबर ऑफ सीट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी? निश्चित रूप से वर्तमान व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं हो, और जिन वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया है उनको इसका लाभ मिले, हर क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट में सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। शैक्षणिक संस्थाओं में मानव संसाधन मंत्री महोदय ने 25% सीटें बढ़ाने का ऐलान किया है और वो कार्रवाई प्रारंभ हो गई। ऐसे ही हर संस्थान में सीटें बढ़ा करके ही इस प्रावधान का लाभ संबंधित लोगों को दिया जाएगा। आदेश भी जारी हो चुके हैं, DOPT ने आदेश जारी कर दिया, इंटरप्राइजेज डिपार्टमेंट है उन्होंने आदेश जारी कर दिया, हमारे विभाग की ओर से आदेश जारी हो गया, और अब हमने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वो भी शीघ्र अति शीघ्र इस निर्णय पर कार्रवाई करें। मुझे खुशी है कि कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, झारखंड ने और उत्तराखंड ने इस आर्थिक आधार पर आरक्षण के प्रावधान को अपने राज्य में भी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है और कार्रवाई प्रारंभ की है। एक जो सवाल लोग काफ़ी भारी मात्रा में कर रहे हैं वो ये है कि जो एक 8 लाख इनकम ब्रैकेट जो एक डिफाइन हुआ है, तो वो क्या हम ये मान के चले कि क्या कोई ये पॉवर्टी जो फिगर्स हैं, गरीबी के जो फिगर्स हैं, वो क्या कोई नया पैमाना बनेगा जो क्वांटिफाई करने के लिए जो पॉवर्टी फिगर्स हैं? बिकॉज जो 8 लाख का जो एक ब्रैकेट है कि जिनकी इनकम 8 लाख के अंदर अंदर है वो EVS उसमें आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि क्या एक डिफरेंट दायरा बनेगा पॉवर्टी के फिगर्स को अराइव करने का, कैसे ये होगा? आर्थिक आधार पर जो ये आय की लिमिट है उसके लिए है, पर इसके साथ और शर्त भी है। अगर वो किसान है तो 5 एकड़ तक की ज़मीन होना, 5 एकड़ से ज़्यादा होगा तो उस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। फिर 2-3 बातें और है इसमें, 1000 वर्ग गज का मकान शहर के हिसाब से, फिर बड़ा शहर है तो 200 वर्ग मीटर का मकान, फिर छोटा शहर है या और बड़ा शहर है जहाँ ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ वो 100 वर्ग मीटर का है। ये जो शर्तें हैं, इन शर्तों में से अगर एक भी शर्त उसकी फुलफिल नहीं हो रही होगी तो शायद उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, ये है। परंतु कुल मिलाकर के हर स्तर पर लोग इसका लाभ ले सके ये आधार बना करके ये तय किया है। परंतु अगर कोई व्यवहारिक कठिनाई भविष्य में आएगी, दिखेगी,
और लगेगा कि ये व्यवहारिक नहीं है, ये विरोधाभासी निर्णय हो गया है, तो भविष्य में इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। एक आखिरी सवाल चलते चलते गहलोत साहब आपसे करूंगी कि बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं वो जो 10% आरक्षण को एक चुनावी गिमिक के तौर पे देख रही हैं, कहाँ तक वाजिब होगा जो उनका ये स्टैंड है कि बिल्कुल चुनाव के ठीक समय 10% रिजर्वेशन का जो अनाउंसमेंट आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, हर एक का अपना अपना सोचने का तरीका है। अच्छा निर्णय है, इसमें से ये अर्थ निकल रहा है भाई, चुनावी नज़रिया भी अगर रख करके किया है, पर निर्णय तो अच्छा है ना, तारीफ करना चाहिए। ऐसे कैसे ही बहुत सारे लोग या राजनीतिक दल बजट को भी बोल रहे हैं चुनावी बजट है। अब चुनावी बजट है, इसका उनका अर्थ और आशय ये है कि चुनाव जीतने के लिए अच्छा बजट दिया है। तो विरोध पक्ष से भी मैं आग्रह करूंगा कि सकारात्मक भूमिका निभाएं। अगर अच्छा बजट है और ये अच्छा निर्णय है आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का, तो प्रशंसा करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर गहलोत, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सो दैट्स इट ऑन दिस एपिसोड ऑफ टू द पॉइंट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर पर्सनालिटी। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।